माननीय अध्यक्ष जी, मैं तीन प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूं सदन के सामने, और बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं, देशवासी भी सुन रहे हैं। पहली घटना 5 मार्च 1966, इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था, और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे? क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? 5 मार्च 1966 वायुसेना से हमला करवाया गया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मिजोरम में 5 मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है। उस दर्द को मिजोरम भूल नहीं पा रहा है। कभी इन्होंने मरहम लगाने की कोशिश नहीं की, घाव भरने का प्रयास तक नहीं किया है, कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है। और कांग्रेस ने इस सच को देश के सामने छिपाया है दोस्तों, ये सत्य देश से उन्होंने छिपाया है कि अपने ही देश में वायुसेना से हमला करवाना। कौन था उस समय? इंदिरा गांधी। अकाल तख्त पर हमला हुआ है तो अभी भी हमारी स्मृति में है, उनको मिजोरम में उसके पहले ही आदत लग गई थी, और इसलिए अकाल तख्त पर हमला करने तक वो पहुंचे थे मेरे ही देश में। और यहां हमें उपदेश दे रहे हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी, नॉर्थ ईस्ट में वहां के लोगों के विश्वास की इन्होंने हत्या की है, वो घाव किसी न किसी समस्या के रूप में उभर करके आते हैं, उन्हीं के कारनामे हैं। आदरणीय जी, मैं दूसरी घटना का वर्णन करना चाहता हूं, और वो घटना है 1962 का वो खौफनाक रेडियो प्रसारण आज भी शूल की तरह नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चुभ रहा है। पंडित नेहरू ने 1962 में जब देश के ऊपर चाइना का हमला चल रहा था, देश के हर कोने में लोग अपनी रक्षा के लिए भारत से अपेक्षा करके बैठे थे, उनको कोई मदद मिलेगी, उनकी जान माल की रक्षा होगी, देश बच जाएगा, लोग अपने हाथों से लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए थे, ऐसी विकट घड़ी में दिल्ली के शासन पर बैठे हुए, और उस समय पर एकमात्र जो नेता हुआ करते थे, पंडित नेहरू ने रेडियो पर क्या कहा था? उन्होंने कहा था, माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ आसाम। ये हाल करके रखा था उन्होंने। वो प्रसारण आज भी असम के लोगों के लिए एक नस्तर की तरह चुभता रहता है। और किस प्रकार से उस समय नेहरू जी ने उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ जीने के लिए मजबूर कर दिया था, ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां चले गए लोहियावादी, उर्दू को मैं भी सुनाना चाहता था, जो लोग अपने आप को लोहिया जी का वारिस कहते हैं,
और जो कल सदन में बड़े उछल उछल करके बोल रहे थे, हाथ लंबे चौड़े करने की कोशिश कर रहे थे। लोहिया जी ने नेहरू जी पर गंभीर आरोप लगाया था और लोहिया जी ने कहा था, और वो आरोप था कि जानबूझकर नेहरू जी नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं कर रहे, जानबूझ करके नहीं कर रहे। और लोहिया जी के शब्द थे, ये कितनी लापरवाही वाली और कितनी खतरनाक बात है, लोहिया जी के शब्द है, ये कितनी लापरवाही वाली और कितनी खतरनाक बात है, 30,000 स्क्वायर मील से बड़े क्षेत्र को एक कोल्ड स्टोरेज में बंद करके उसे हर तरह के विकास से वंचित कर दिया गया है। ये लोहिया जी ने नेहरू पर आरोप लगाया था कि नॉर्थ ईस्ट के लिए तुम्हारा रवैया क्या है, ये कहा था। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के हृदय को, उनकी भावनाओं को आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। मेरे मंत्रिपरिषद के 400 मंत्री रात्रि निवास करके, और अकेले स्टेट हेडक्वार्टर पर नहीं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और मैं स्वयं 50 बार गया। ये आंकड़ा नहीं है सिर्फ, ये साधना है, ये नॉर्थ ईस्ट के प्रति समर्पण है।